इंदौर जिले गांव पथड़ा में वीर अमर शहीद रवि पाल की जयंती पर उमड़ी युवाओं की भीड़। प्रोफेसर प्रवीण कुमार एवं समाजसेवी ठाकुर परतरलाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर की शिरकत नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत गौरव न्यूज, मैं पवन कुमार। लगाए गए वीर शहीद रवि पाल सिंह अमर रहे के नारे, तिरंगा ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान के उच्चारण के साथ दिया गया शहीद को सम्मान। आज मेंदर जिले गांव पथड़ा में वीर अमर शहीद रवि पाल की जयंती पर युवाओं ने तिरंगा यात्रा निकाली एवं वीर अमर शहीद रवि पाल की प्रतिमा पर उसे चक्र एवं मालाएं अर्पित कर उन्हें सच्चे श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर वीर अमर शहीद रवि पाल की शौर्य गाथा का बखान करते हुए युवाओं ने वीर अमर शहीद रवि पाल के जिंदाबाद के नारे लगाए और इसी के साथ साथ ध्वजारोहण के साथ बाद गाँव के रिटायर एवं पूर्व सैनिकों के द्वारा शहीद रवि पाल सिंह को श्रद्धांजलि दी गई और वीर शहीद की वीरांगना एवं उनकी माताजी को शाल ओढ़ाकर मुख्य अतिथियों के द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं उनके भाई को भी मुख्य अतिथियों एवं पंचायत के द्वारा पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए समाजसेवी ठाकुर रतनलाल एवं प्रोफेसर प्रवीण कुमार ने कहा कि रवि पाल का शुरू से ही भारतीय सेना सेवा के प्रति अच्छा रुझान रहा है और उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा यहाँ से ग्रहण करने के बाद भारतीय सेवा में अपनी सेवाएं देते हुए मणिपुर में उग्रवादियों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। युवाओं को उनसे प्रेरणा लेते हुए देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज अदा करना चाहिए। आज का जो कार्यक्रम रखा गया है, क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम के निमित्त? ये कार्यक्रम शहीद रवि पाल जी की शहादत को नमन करने के लिए पथड़ा गांव में आयोजित किया गया है और अभी पूरे गाँव ने और पूरे भूतपूर्व सैनिकों ने शहीद रवि पाल की प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि दी है। और ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि शहीद जो होते हैं वो राष्ट्र के गौरव होते हैं और उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य होता है और ये कर्तव्य पालन करके हमने एक ड्यूटी जो निभाई है ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम जी। प्रोफेसर साहब, आज के कार्यक्रम के निमित्त क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो नमन करता हूँ इस गाँव को, इस वीर भूमि को, जिसने ऐसे लाल और बहुत ज़्यादा शहीद इस देश के लिए सैनिक दिए हैं और यहाँ पे सारा गांव जिस रूप में अमर शहीद रवि पाल की शहादत को नमन करने के लिए हाजिर हुआ है। युवाओं को मैं विशेष तौर पे ये कहना चाहूँगा कि एक जो सदमार्ग है, सही रास्ता है, वो अमर शहीद रवि पाल सिंह से वो सीखें, उनसे प्रेरणा लें, उनके जीवन से प्रेरणा लेके वो देश के लिए समर्पित होने का भाव अपने जीवन में उतारे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही आखिर निशान होगा। इसी कड़ी में हर वर्ष हमारे गांव में शहीद रवि पाल का शहीदी दिवस मनाया जाता है और इस कड़ी में हमारे शिक्षाविद प्रोफेसर प्रवीण यादव जी व ठाकुर रतनलाल जी हर वर्ष पहुँचते हैं और हमारे जितने भी युवाओं हैं उनको गाइड करते हैं कि हमें किस प्रकार से शहीद के चित्रण से, शहीद के निजी जीवन से किस प्रकार हमें सीखना है और किस प्रकार हमें उनके पदचिन्हों पर चलना है। धन्यवाद। शहीद रवि, नमस्कार जी। शहीद रवि पाल के जीवन में जो शहीद रवि पाल थे, वह कभी भी हमारे गांव में छुट्टी के टाइम पे आते थे तो युवा बच्चों को अपने साथ ले जाकर नहर के ऊपर दौड़ लगवाते थे और उनको आर्मी में ज्वाइन करवाने के लिए उनका बहुत प्रयास रहता था और इसीलिए युवा बच्चों का सहयोग रवि पाल के प्रति बहुत ही मान सम्मान। अमर शहीद रवि पाल सिंह शहीदी स्मारक पर आज के शहीदी दिवस के मुख्य अतिथि महाराणा प्रताप ग्रुप ऑफ कॉलेज के चेयरमैन श्री ठाकुर रतनलाल जी। गवर्नमेंट कॉलेज पटेली से प्रवीण कुमार, प्रिंसिपल प्रवीण कुमार यादव जी, जो हर एक शहीदी दिवस के ऊपर हमारे गांव के अंदर आते हैं, उनसे, शहीदों से और हमारे गांव से बहुत ही प्रेम है। हमारे महाराज वृंदनंदन महाराज जी, सरपंच जर्मन सिंह जी और साथ में आए हुए सभी परम आदरणीय उपस्थित सभी अतिथिगण, आसपास के गांव से आए हुए सभी महान पुरुष, गांव पाथेड़ा से उपस्थित सभी बुजुर्ग नवयुवक बाल और बच्चे, सभी माताएं बहनें और मैं समस्त गांव पाथेड़ा की ओर से, समस्त भूतपूर्व सैनिक सेवा समिति की ओर से मैं
शहीद अमरपाल सिंह की व अन्य जो भिन्न भिन्न लड़ाइयों के अंदर जो शहीद हुए हैं उनके अमर पवित्र आत्मा को शांति देने हेतु मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से ये कामना और प्रार्थना करता हूँ कि उनकी अमर आत्मा को सदैव सदैव के लिए शांति मिले और वह सदैव सदैव के लिए अमर रहे। क्या है कि एक वीर और निडर सैनिक अग्रिम क्षेत्र में या युद्ध क्षेत्र के अंदर या आतंकवाद बाहुल एरिया के अंदर जो निडर होकर के और लड़ाई लड़ते हुए भारत माता की रक्षा और सुरक्षा करते हुए जो अपने प्राणों की आहुति दे देता है वो शहीद कहलाता है। यह हमारा गांव एक सैनिकों का गांव है, एक शहीदों का गांव है। जो शहीद हो जाता है उसका कभी भी पुनर्जन्म नहीं होता है, बल्कि वो सदा सदा के लिए अमर हो जाता है और उसकी जगह सरों के अंदर जो जो तारे हैं उन तारों के अंदर उसकी जगह उसको मिलती है, जो रात के समय सभी राहगीर को रास्ता दिखलाते हैं। शहीद हो जाने के बाद मुझे कहा गया है कि वो किसी विशेष जाति, किसी विशेष धर्म, किसी विशेष समुदाय से उसका कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि वो शहीद सबका शहीद माना जाता है और उसका नाम शहीदी स्मारक में शहीदी किताब के अंदर लिखा जाता है, जिसको आने जाने वाले सभी व्यक्ति यानी उसको नई स्मारक के अंदर एक बहुत बड़ी शहीदी किताब रखी गई है, जो कि एक पवित्र जैसे कि हमारे गीता और महाभारत है इसी प्रकार से वो एक पवित्र यानी वो किताब है। उसके अंदर यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर के आज तक जितने भी लड़ाई लड़ी गई है और जितने भी लड़ाइयों के अंदर जो शहीद हुए हैं या जिन शहीदों ने अपना पराक्रम दिखाते हुए उन्होंने खिताब जीते हैं, जैसे प्रेमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र इत्यादि, उनका नाम उसके अंदर लिखा गया है। और जिन्होंने खिताब जीता है महावीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और कीर्ति चक्र, उनके अंदर उनकी स्टेचू वहाँ पर बनाई गई है और जिसके ऊपर उसका नंबर, रैंक, नेम, उसकी यूनिट और किस लड़ाई के अंदर वो शहीद हुआ है वो सब उसके अंदर लिखा गया है। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, जब भी आपको दिल्ली जाने का समय मिलता है आप उस शहीदी न्यूज के अंदर जरूर जाएं और उन शहीदों के जरूर दर्शन करें जिन्होंने अपनी शहादत दी, देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपनी शहादत दी है, उसको नमन करें और उसको सलूट करें। इसके अलावा इंडिया गेट के ऊपर आपने देखा होगा, आप 26 जनवरी परेड के अंदर बहुत से आदमी गए होंगे, वहाँ पर भी हमारा एक शहीद स्मारक बनाया गया है, उसके अंदर भी शहीदी किताब रखी गई है जिसके अंदर इस देश के विभिन्न प्रकार की लड़ाइयों के अंदर जो शहीद हुए हैं उनका नाम उनके अंदर लिखा गया है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमारे राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, अन्य मंत्रीगण और तीनों सेनाओं के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ पर आकर के उन शहीदों को नमन करते हैं और उन शहीदों को सलूट करते हैं और वहाँ पर अमर जवान ज्योति जलती, अखंड अमर जवान ज्योति जलती रहती है जो शहीदों को याद दिलाती है। उन शहीदों में से हमारा शहीद एक रविपाल सिंह जी जीवन के बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा कि उस सर्दी का भी समय है और समय काफ़ी लगेगा इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। रविपाल सिंह का जन्म 1982 के अंदर माता ओमवती के कुख से उनका जन्म हुआ। वो बालकाल से बड़े होनहार थे, कहा जाता है कि होनहार वीरवान के होन सीखने पर वो शुरू से ही बड़े ही चुस्त और फुर्तीले एक आदमी थे। पढ़ाई लिखाई के अंदर एक बच्चे थे, पढ़ाई लिखाई के अंदर वो बहुत होशियार रहते थे। 8वीं 10वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से यानी फर्स्ट डिवीजन से उन्होंने अपनी परीक्षा पास की। उनके पिता चेयरमैन श्री सुंदरपाल सिंह जो भी एक महान सामाजिक, धार्मिक, मिलनसार, हसमुख बोलने वाले, संपन्न और सकारात्मक विचारों के आदमी थे। उन्होंने देश की सेवा करने के लिए अपना मन बनाया और उस सेना के अंदर भर्ती हुए। वो काफ़ी समय तक वो देश की सेवा का कार्य न करते हुए घरेलू परिस्थितियों के कारण वो वापिस सेना से वापिस आ गई, लेकिन उन्होंने जब से ये उन्होंने अपना संकल्प लिया था कि मैं देश की सेवा काफ़ी लंबे समय तक मैं नहीं कर सका, मैं अपने पुत्रों से, इनके दो पुत्र एक पुत्र से मैं उनकी देश सेवा कार्य अवश्य कराऊंगा, ऐसा ही हुआ।
2001 में रविपाल सिंह को सेना के अंदर भर्ती करवाया और भर्ती होकर के वो राजपूत रेजिमेंट सेंटर फतेहगढ़ के अंदर ट्रेनिंग के लिए गए। वहाँ पर उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग पास करने के बाद भी राजपूत रेजिमेंट की सबसे एक वीर बटालियन एक लड़ाकू बटालियन 26 राजपूत रेजिमेंट के अंदर उनकी पोस्टिंग हुई। 26 राजपूत रेजिमेंट के अंदर वह उन्होंने 5 वर्षों तक यानी बहुत ही अच्छी सराहनीय देश की सेवा की और एक बहुत ही अच्छे सिपाही कहलाए। दिसंबर 2005 ईस्वी के अंदर मणिपुर जैसे कि आपको मालूम है 6 महीनों से वहाँ पर अपनी गजर मचा हुआ है और वो एक जो है ना बहुत ही आतंकवादी माहौल एरिया है। उस आतंकवाद को उस समय बढ़ाने के घटाने के लिए आतंकवादियों को सफाया करने के लिए एक ब्रिगेड को वहाँ पर नियुक्त किया गया। उसके अंदर 26 राजपूत रेजिमेंट भी शामिल थी। 1 दिसंबर 1906 के अंदर 26 राजपूत जंग बटालियन का काम कर रही थी। उसके साथ ही 26 लीडिंग बटालियन के अंदर शहीद रविपाल सिंह की यानी कंपनी वो लीडिंग कंपनी थी और वो लीडिंग प्लाटून के अंदर वो सबसे आगे चल रहे थे। आतंकवादियों ने अंकुश लगाया हुआ था, चारों ओर से उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त फायर आ गया। उन्होंने पोजीशन लिया, फायर का बदले में उन्होंने फायर से उनका जवाब दिया और 3-4 आतंकवादियों को उन्होंने जो है वो ढेर कर दिया यानी उन्होंने मार करके गिराया। अंत में उस बहादुर जवान के ऊपर चारों तरफ से गोली बरसी और वो गोलियों से जो उसका शरीर छल्ली हो गया और वहाँ पर वो जो है ना और शहीद जो है ना अमर गति को प्राप्त हुआ और शहीद कहलाया। उनका पार्थिव शरीर गांव के अंदर लाया गया। गांव के अंदर जहाँ पर यहाँ पर अर्जुन का स्मारक बना हुआ है यहाँ पर बजे बड़े ही राजकीय सम्मान के साथ में पूरे गांव आसपास के गांव के तमाम आदमी पूरे हमारी भारत सरकार के SDM वगैरह सभी आदमी आए और बहुत ही आदर और सम्मान के साथ में इस योद्धा को नम आंखें और दुखी हृदय से उसको आखिर अंतिम विदाई दी गई और इसका पार्थिव शरीर 5 से 2 दिन में विलीन हो गया।